हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जानते होंगे कि कल मैंने आपको जो है नया एक चैप्टर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का जो है बीड़ा उठाया था आपको सिखाने का। यानी कल मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच शुरू किए थे और उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी थी, और आज उसके आगे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में मेन रूप से तीन परिवर्तन होते हैं, और उन तीनों परिवर्तन में नंबर एक चेंज टेंस चेंज होता है, और पर्सन चेंज होते हैं, और दूसरे पार्ट आप स्पीच यानी निकटता से दूरी जो होते हैं उनको चेंज करते हैं। तो आज हम आपको टेंस में क्या चेंज होता है वो आज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आज इन्हें आप नोट कर लेंगे किसको किस में परिवर्तित करते हैं, और जब आप इनको नोट कर लेंगे सारे चेंजेस जब आप नोट कर लेंगे तब मैं आपको जो है आगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेंटेंस देंगे और आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट के जो मैंने बताया था कि प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट के चारों भागों को क्रमशः पास्ट के चारों भागों में जो है चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं क्रमशः। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, और आप जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का, या एस या एस जोड़ देते हैं, एस या एस लगा होगा या उसमें डूड जाए होंगे, तो इतनी चीज़ें हों तब हम उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने के लिए एस या एस वाले फॉर्म को या फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और डूड को डिड में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, यानी इज एम आर को बाज वर्ब में तब्दील कर देते हैं। इसीलिए मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि प्रेजेंट के चारों भाग क्रमशः पास्ट के चारों भाग में चले जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ है होता है, आप लोग जानते ही होंगे, और इसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, यानी हैज़ है को हैड में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चौथे नंबर पर आता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, अर्थात हैज़ बीन और हैव बीन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है, उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को हैज़ बीन और हैव बीन को हैड बीन में बदल देते हैं। इस प्रकार से हम जो है टेंस का परिवर्तन होता है। अब इसके बाद में हमारे आते हैं प्रेजेंट ख़त्म होने के बाद फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होती है उसकी सेकेंड फॉर्म आया होगा और या डिड आया होगा, तो सेकेंड फॉर्म सेकेंड फॉर्म और डिड को हैड और प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है या तो उसमें सेकेंड फॉर्म आया होगा या डिड आया होगा, तो जहां पर सेकेंड फॉर्म और डिड आए होंगे वहां पर हम हैड
और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जैसे आप जानते होंगे कि बाज या बर होती है, तो बाज और बर की जगह पर हम हैड बीन लिख देते हैं। बाज और बर की जगह पर हैड बीन लिख देते हैं, तो ये जो है हमारे टेंस परिवर्तन हो गए, चार ये हो गए और दो ये हो गए, छः हो गए और दो और बचते हैं। दो के लिए हम अब फ्यूचर में जाते हैं। फ्यूचर में देखिएगा, फ्यूचर में अगर हम देखें तो बिल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल को वुड में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे अगर शैल है तो शैल का शुड हो जाता है। इसी प्रकार से और हैं कैन, कैन का कुड हो जाता है और मे का माइट हो जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो लोग भी ये टेंस परिवर्तन है उसे नोट कर लें और इन सारे परिवर्तन्स को, इस चेंजेज को आप जब जान लेंगे तभी आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर पाएंगे। जब तक आप जो है इन सारे चेंजेज को याद नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कदापि नहीं आएगा। तो आप इन सारे परिवर्तन्स को नोट कर लीजिएगा और जान भी लीजिएगा कि किस टेंस को किस में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन ये सारे परिवर्तन जब ही होंगे, हमने कल आपको रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी बताया था, तो रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट में होगी तब ये सारे परिवर्तन वहाँ पर होंगे, लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है, यानी से लिखा है सैड की जगह पर से लिखा हो या सेज लिखा हो, तब उसमें दो ही परिवर्तन होते हैं, तब तीन परिवर्तन नहीं होते हैं, दो ही परिवर्तन होते हैं। और वो दो परिवर्तन होते हैं, पर्सन चेंज होता है और निकटता से दूरी चेंज होती है, और लेकिन जो है टेंस का उसमें चेंज नहीं होता है। अगर हमारी रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट में रखी हुई है, तो अगर से रखा है तो से को टेल में बदल देंगे, और अगर सेज रखा है तो टेल्स में बदल देंगे और सारे परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसमें जो है फिर हम जो है इज एम आर को बाजवर में नहीं बदलेंगे, इज एम आर ही रहेगा, या डू डज को डिड में नहीं बदलेंगे, जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तब टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, ये आप जान लीजिएगा। इसके पश्चात और भी कई सारे नियम हैं जो हम धीरे धीरे करके आप लोगों को पूरे नियम बताएंगे। जैसे तीन जो है सदा सत्य बातें जो होती हैं, अगर ऐसी ऐसा सेंटेंस है तो वो भी नहीं उसमें बदला जाता है। ये तीन जो हैं हमेशा सत्य रहने वाली चीज़ें, हैबिचुअल इनको बोलते हैं, स्वाभाविक और हिस्टोरिकल और नेचुरल ट्रुथ जो होते हैं, ये जो है अगर इस प्रकार के सेंटेंसेज हैं तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी हैबिचुअल ट्रुथ, नेचुरल ट्रुथ और हिस्टोरिकल ट्रुथ, ये तीन ट्रुथ हैं, इनमें भी चेंज नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर भी इज का इज ही रहेगा और जो भी होंगे वहाँ पर जो है टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। तो आप इतने सारे जो मैंने अभी आपको ये टेंस लिखाए हैं इनको नोट कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद जो है हम कल आपको जो है कल थोड़ा थोड़ा याद करिएगा, इसको नोट कर लें, और कल हम आपको जो है निकटता से दूरी किसको किस में बदलते हैं वो कल निकटता से दूरी का जो ज्ञान देंगे आपको, तो आप वो जान लेंगे। पर्सन फिर हम चेंज कराएंगे। जब ये तीनों आप चेंज नोट कर लेंगे और देख लेंगे
तब इसके बाद में फिर हम आपको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना यहाँ बोर्ड पर सिखाएंगे और आप घर पर भी सीखोगे। ये सारे नियम हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। लाल वाली क्या?